পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল রাষ্ট্রায়ত্তে ইস্পাত কারখানা জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ। বানপুরের মুঙ্গুরিয়া খাটালপাড়ার বুধবার রাতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত পক্ষে চারজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তত পক্ষে 20 জনকে আটক করেছে। জানা গেছে বানপুরের মুঙ্গুরিয়া খাটালপাড়ায় ইস্কোর একটি ফাঁকা জমি পড়ে আছে, সেই জমিটিকে দখল করার জন্যই দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। স্থানীয় কাউন্সিলর গুণমিত সিং জানিয়েছেন ইস্কর জমিটিকে নিজের দখলে রাখবে তা নিয়েই দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, কিন্তু বহু বাড়ি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, এমনকি দুপক্ষেরই 4 জন আহত হয়েছে। তাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাউন্সিলর তো ক্যা ঘটনা হুয়া থা ইয়াহাঁ পর कुछ इसको का जमीन है, वैकेंट जमीन, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दो ग्रुप है। उसको लेकर आपस में उन लोगों का में मारपीट हुआ है और इसमें दोनों पक्ष इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि एक दूसरा का गाड़ी तोड़ा गया है और एक दूसरा पर पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं और पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए काम कर रहा। कुछ घर भी है, बना हुआ घर भी, उस पर कब्जा भी करने के लिए जा रहा। हाँ, ये जो है एक्चुअल इसको की वैकेंट जगह है, इसलिए हर पक्ष कब्जा करने का चाह रहा है। वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ या बनाना चाह रहा है, इसी को लेके दोनों में पक्ष में झगड़ा हुआ है। और इतना ज़्यादा आपस में लोग मारपीट कर लिया कि दोनों पक्ष का पूरा मोहल्ला एक दूसरे पर पत्थरबाजी किया है और महिलाएँ और पुरुष दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तत्कालीन हॉस्पिटल लेके जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन लोगों ने आपस में मारपीट की है, पुलिस के पास उनकी डिटेल है, वो उनको अभी गिरफ्तार करने के प्रक्रिया में है। कौन लोग किया ये पता है? ये लोकल यहाँ के मोहल्ले के लोग ही आपस में, कोई बाहर का कोई नहीं, यहीं के दोनों सामने सामने रहने वाले दो पक्षी हैं, इनके बीच में आपस में हुई है, किसी दूसरे समुदाय से नहीं हुई, एक ही समुदाय के लोग हैं। घटना वो ये हुआ था कि यहाँ सेल का जमीन है, ये इसको घेर रहा था, तो हमने बोला ये सेल का जमीन लोग क्यों घेर रहा है, तो वो लोग समय दिन में कुछ नहीं किया, रात में फिर उसके बाद सबको एक जगह जुल बनाया, डंटा फंटा लोहा का तरबार उबार लेके और फिर खड़ा था। वो लोग उस घर में और झमेला चल रहा था, समझाने किया था कोई, वहाँ पर गया तो उसका झमेला मेरा घर पर आ गया, मेरा भाई का गाड़ी का शीशा उसका फोड़ फाड़ दिया, मेरा घर नीचा पत्थर पूरा चला दिया गया है, पूरा खटाल का आदमी लोग था। ये कौन लोग थे? ये खटाल के शंकर यादव था, उत्तम यादव था, उत्तम मंडल था, उत्तम यादव था, डाबो यादव था, लक्ष्मण यादव था, शंकर यादव था, बहुत सारे थे, बच्चा कच्चा सब था उधर का, जो हमारे घर में पूरा हमला किया। फिर भी कितना आदमी लोग? कम से कम 150 आदमी थे। एक घर को दूसरा मैंने जैसे लगता हिंदू मुस्लिम का राइट करवा दिया। और ज़्यादा कोई जख्मी भी हुआ? हाँ, मेरे भाभी के पूरे आँख फट चुका है, मेरा भाई का मुंह फट गया, मेरा माथा फट गया, मेरा भाई का मेरा भी यहाँ लीजिए सीने में चोट लगा है, यहाँ पाँव में लगा है, यहाँ पर ला लीजिए है। जख्मी मोटा मोटा 3 ही लोग हुआ? 4 लोग हुआ। 4 लोग हुआ, मैंने घर का सब तो लगा है, छोटा बड़ा, ज़्यादा जख्मी मेरे भाभी हुए जिसका आँख फट गया है, भैया फोटो लिए हुए हैं, और मेरा प्रशासन आने पर भी पत्थर चला है। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग को बस नए, हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग इन लोगों से बचना चाहिए बस। हम लोग एक घर उधर पर दो घर, और हम लोग से हमेशा जलता रहता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, हम तो अपना घर में थे, हो आवाज़ सुने तो बाहर निकले, यह डंपर तोड़ रहा पूरा, ईटा पत्थर रड से एकदम पूरा शीशा उसा सब चूर कर दिया। मैदान में बैठा रहा लड़का लोग, उन लोग को भी जाकर माथा उथा फाड़ दिया, लेडीज़ को मार के माथा फाड़ दिया। तो कहे ये झमेला मैंने कहे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कौन लोग था ये सब ये खटाल का जितना ज्यादा लोग है सब, मतलब कोई कारण बिना कारण का ऐसे कोई कारण नहीं। हमको जो सुनने में आया जे आप ये थे, हमको कुछ मालूम नहीं, शाम को आए घर में बैठे थे, दराज सुने तो हम बाहर निकले, वही सब देखे थे। फिर भी कितना आदमी लोग आते है? कम से कम 50-60 बोलो है ना, खटाल का टोटली आ गया। तो कोई इंजर्ड? मैंने 12 बरस से लेकर के 18-20 बरस तक का आदमी सब था। इसमें कोई इंजर्ड वगैरह हुआ है क्या? हाँ, माथा में लगा, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है।
कितना आदमी का? 3-4 आदमी के साथ लगा है, हम तो देखे नहीं सुने। एक तो लेडीज़ को लगा यहाँ, एक तो लड़का को माथा लगा, पैर में लगा है। सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।